नमस्ते जी, मैं बबुआ बोल रही हूँ। क्या हाल है बबुआ भाई? बढ़िया चल रहा है भाई साहब। डिज्नी हॉटस्टार की लोकी सीरीज, इसके बारे में बताने आया हूँ। अपने हर एपिसोड के साथ पहले से भी ज्यादा भयंकर होती जा रही है। मतलब टाइम के साथ छेड़छाड़ करने से मन नहीं भरा, तो अब लोग अपने अपने वेरियंट के साथ ही लगे पड़े। पहले एपिसोड में जो कहानी सिर्फ लोकी की लग रही थी, उसमें अब कई टाइम लाइन के लोकी आने वाले, एक तो लेडीज भी है। यकीन मानिए, दूसरे एपिसोड में सिल्वी के आ जाने के बाद से पूरी सीरीज का मसाला इतना बढ़ गया कि जबान का जायका बन गया। मतलब एक खुदगर्ज और कमीने इंसान के अंदर प्यार बढ़ा देने वाली सिल्वी ने कैसे लोकी के अंदर भी वो इमोशन जगा दिए हैं, ये देखकर दिल खुश हो गया भाई साहब। ये वही चीज है, बिल्कुल ये वही चीज है, हम मार्वल से एक्सपेक्ट करते हैं भाई साहब। मार्वल के अंदर जिस हिसाब का कंटेंट बनता है ना भाई साहब, अब वहाँ टाइमलाइन का तड़का गजब का फ्लेवर जोड़ रहा है। मार्वल सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये अपने हर एपिसोड में आपको नई चीजों से इंट्रोड्यूस करवा रही है। खुद को शरारतों का देवता कहने वाले लोकी के साथ खुद टीवी ने शरारत कर दी है। अपने दूसरे और तीसरे एपिसोड में जहां लोकी और सिल्वी के बीच का रिलेशन बढ़ता है, वहीं चौथे एपिसोड में तो भाई साहब हद पार हो जाती है। और फाइनली हमको टाइम वेरिएंट अथॉरिटी की असलियत के बारे में मालूम पड़ता है। पूरी सीरीज आपको बांधे रखती है और इसके साथ ही आपको शॉक भी कर देती है। चौथे एपिसोड के एंड में मालूम पड़ता है कि यहाँ मरने वाले लोग मरते नहीं है, बल्कि कहीं और चले जाते हैं। अब वो कहाँ चले जाते हैं ये पांचवें एपिसोड में मालूम पड़ ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब हमारा वाला लोकी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ एक लोकी का तो काम है नहीं भैया, कई सारे लोकी हैं, जिनमें से हम सिर्फ दो की कहानी जानते हैं, बाकियों की तो जानते ही नहीं है। इतनी एक्साइटमेंट बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है इनके राइटर्स। जितना सही तरीके से इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी को उन्होंने एपिसोड दर एपिसोड लिख दिया है भाई साहब, उसका जवाब किसी के पास नहीं। अब देखना ये कि अपने अगले एपिसोड में क्या लोकी ये पता कर पाएगा कि कैसे टाइम वेरिएंट अथॉरिटी काम करती है, या उसका भी वही हाल होगा जो हमारा वैक्सीन के ऑप्शंस को देखकर लगता है, यानी कंफ्यूजन। खैर, इसका रिव्यू भी हम लेकर आएंगे। आप बस बेल आइकन जरूर दबाना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। फेसबुक पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, टेलीग्राम पे देख रहे हो तो राम राम जरूर बोलना, ठीक है? अपना ख्याल रखना। सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। यार इस पे वीडियोस कम लाता है, तू बताएगा मुझे, तू बताएगा कम लाऊं या ज्यादा? अरे बस कर। बस क्यों करूं, अपनी कार करूंगा मैं, तू बस कर, रोडवेज से जा। ए ए क्या? बी, बी से बेन स्टोक्स, और सी से सॉरी वो तो एस से होता है। बाय बाय।